बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एग्स की बड़ी यूनिक रेसिपी, जो कि है फ्राइड एग्स की रेसिपी। ये फ्राइड एग्स बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और बहुत कम वक्त में ढेर सारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। आप मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक छोटे बाउल में दो अंडे तोड़ के शामिल करने हैं और इसमें 1/4 टीस्पून या हसबे जायका नमक, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें। अब इन्हें बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि काली मिर्चें और नमक कंडों में अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। हमने दो अंडे फ्राई करने हैं तो उसी के हिसाब से छोटे साइज का पैन लिया है। ये पैन तकरीबन 8 इंच का है, तो अंडों के हिसाब से ही पैन का साइज लेना है। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है, लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद फिटे हुए अंडे पैन में शामिल करेंगे। अब पैन को कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 5-6 मिनट पकाएंगे। आप देख सकते हैं अंडे पक गए हैं और अंडों का कलर पककर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब इस तरह अंडों के ऑमलेट को पलट लेना है। अब इस तरह चमचे की मदद से प्रेस करते हुए 3-4 मिनट लो फ्लेम पर मज़ीद पकाना है। अंडे बहुत अच्छे से पककर तैयार हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब अंडों के ऑमलेट को इस तरह पीसेस में काट लेना है। पहले इस तरह प्लस में काटेंगे और फिर इस तरह क्रॉस में कटिंग करेंगे। ये हमारे पास पतले पतले तकरीबन 8 पीस बनकर तैयार हैं। ये मैंने एक बोल में तकरीबन 250 ग्राम मैदा लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून या हसबे जायका नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून या हसबे जायका लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर। अब इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। अब मैदे के मिक्सचर में से इस तरह तकरीबन 3 टेबलस्पून मैदे का मिक्सचर एक छोटे बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसमें तकरीबन 6-7 टेबलस्पून या फिर हसबे ज़रूरत पानी शामिल करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। मैदे के मिक्सचर का ये गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार है। अब ऑमलेट का इस तरह एक पीस लेंगे और मैदे के लिक्विड में इस तरह डिप करके मैदे के ड्राई बैटर में शामिल कर देंगे और इस तरीके से ड्राई बैटर में ऑमलेट के पीस को अलट पलट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऑमलेट के पीस पर कितने अच्छे वेवी से क्रम्स बन गए हैं। मैंने मीडियम फ्लेम पर कुकिंग ऑयल गर्म करने रख दिया था, जो कि बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें इस तरह से अंडे के ऑमलेट का पीस मैदे में कोट हुआ हुआ गर्म तेल में शामिल कर देंगे। बस इसी तरीके से ऑमलेट का पीस लेते जाएंगे, पहले लिक्विड में डिप करेंगे और फिर ड्राई बैटर में डिप करेंगे और फिर इस तरह अलट पलट करके कुकिंग ऑयल में शामिल करते जाएंगे। तमाम पीसेस इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ऑमलेट के तमाम पीसेस को इसी तरह हाथ के हाथ मैदे के मिक्सचर्स में कोट करके ऑयल में शामिल करते जाएं। इस तरह क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं अगर पहले से आप इस तरह बना के प्लेट में रखते जाएंगे और फिर फ्राई करेंगे तो सही तरीके से क्रम्स नहीं बन पाएंगे। तमाम पीसेस शामिल कर लेने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर पीसेस को अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं तमाम पीसेस कितने अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे क्रम्स आए हैं तमाम पीसेस पर। ये फ्राइड एग्स बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं कि देखने में भी बिल्कुल ऐसे लगते हैं जिस तरीके से चिकन के स्लाइसेस से ये बनाया गया हो। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितने नरम मुलायम और बाहर से कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।